Hey guys, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल सीनियर्स कोच में। गाइस आज आप लोग को बहुत अच्छा एक बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ एंड्रॉइड एप्लीकेशन के बारे में, जो अपने मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड, अपने मोबाइल के कीबोर्ड की बैकग्राउंड पे अपना फोटोज़ और वीडियोस लगा सकते हैं। बिल्कुल लाइव वीडियो लगा सकते हैं, रियल वीडियो लगा सकते हैं आप। सो गाइस, और अपनी इस टाइप का रियल वीडियो लगाकर या फिर अपनी थैम चेंज करके अपनी फोटोज़ लगा के आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल की लुकिंग को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में ये कैसे वर्क करता है। तो गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस यह वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस इसलिए मैं ले चलता हूँ इस एप्लीकेशन में। गाइस इस एप्लीकेशन का नाम है वेब कीबोर्ड। गाइस इस एप्लीकेशन का नाम है वेब कीबोर्ड। ये आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस इसलिए मैं ले चलता हूँ आपको इस एप्लीकेशन में कैसे वर्क करते हैं। गाइस इस एप्लीकेशन को जैसे आप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद हम ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। हमारे पास जैसे ही इस टाइप का इंटरफेस आएगा ओपन होके, तो गाइस में करना क्या है, हमारे पास इस टाइप का ऑप्शन आता है तो हमें कीबोर्ड में अपनी बैकग्राउंड थीम चेंज करनी है। तो मैं आपको करना क्या है, कीबोर्ड सिंपली कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके राइट साइड पर नीचे कलर का ऑप्शन होगा, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करते आपके पास इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको दो चूज़ करना होगा, एक तो चूज इमेज, इसमें अपने फोटोज अगर फोटोज इमेज लगाना चाहते हैं तो इमेज भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर वीडियो लगाना चाहते हैं तो वीडियो भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको इमेज चूज़ करके दिखाता हूँ। तो इसमें सिंपली गाइस आपको मुझे चूज़ करना है भाई मेरा गैलरी से मुझे फ़ोटो कलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं गैलरी से फ़ोटो मैंने कलेक्ट कर लिया, अब मैं उसको क्रॉप करके जो भी एज पर मेरी सूटेबल के हिसाब से मैं उसको क्रॉप कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने ये फोटो चेंज हो चुकी है मेरी कीबोर्ड की बैकग्राउंड में। सो इसको अब इसने मुझे अपनी कलर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, अपनी वर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं इसमें। तो मुझे इसमें करना होगा, हमारे पास ऑप्शन होता है इसमें सबसे टॉप वाले में होता है बटन शो ऑफ कलर एंड ट्रांसपेरेंसी। अगर बटन की जो भी आपकी कलर है मतलब आपको दिख नहीं रहा है तो आप उसको डार्क कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है। ये जितने भी और कलर्स होते हैं ये कलर्स आपको फिलअप हो जाएंगे उस कॉलम में जहाँ पर आपका वर्ड्स रहेंगे, जिससे आपको आसानी से दिखाई देगा। सो गाइस मैं चूज़ कर लेता हूँ व्हाइट कलर में तो मुझे कुछ नहीं दिखाया गया, तो मैं ब्लैक कलर चूज़ कर लेता हूँ। अब मुझे ब्लैक कलर चूज़ करने के बाद मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम से ज़्यादा कर लेता हूँ, जिससे मुझे बैकग्राउंड भी क्लियरली दिखाई दे। सो ये यहाँ तक सही है। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन होता है गाइस नीचे वाला बटन स्ट्रोक कलर एंड ट्रांसपेरेंसी। मुझे इसमें बटन सेकेंड वाला हमारे पास है, इसमें जो हमारे पास जो बटन के जो वर्ड्स के जो बॉक्सेस हैं उसके जो जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसके बॉक्सेस की जो आउटर साइड पे जो लाइनर है, लाइनिंग है, जो बॉक्सेस बने हुए हैं वो कलरफुल हो जाएंगे। जैसे हमारे पास ऑप्शन जैसे रेड है, ये रेड को मैंने क्लिक किया तो देखिए इसकी बॉर्डर पे बॉर्डर कलरफुल हो गया। तो इसको जैसे भी आपको सूटेबल जो भी बेस्ट लगता है, येलो, ब्लू, वाइट, ब्लैक, रेड जो भी, तो वो चूज कर सकते हैं। मैं इसको ब्लैक ही रख देता हूँ या फिर रेड कुछ भी। देन हमको सिंपली करना क्या है, हमें नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं आपके पास एक और ऑप्शन ओपन होकर आ जाते हैं। अब आप अपने वर्ड की फ्रंट को कैसे रखना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है, मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ कोई भी, आप लोग जो भी आपको अच्छा लगता है वो फ्रंट आप रख सकते हैं। सो गाइस ये बहुत सिंपल है और बहुत इजी भी। सो सिंपली इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सेव वाली बटन पे क्लिक कर देनी है। अब मैं सेव वाली बटन पे क्लिक करता हूँ कि पूछे आर यू श्योर, तो हम यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक कर दी गाइस हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस होके आएगा। ये देखिए मैंने तीन चार कीबोर्ड्स इसी कस्टम कीबोर्ड मैंने जनरेट किया था, इसमें से कोई सा भी हम चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी जो बनाया है उसको मैं चूज़ करने था, उसको अप्लाई थीम पे कर लिया, उसको क्लिक कर दिए ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। अब यह कैसे वर्क करता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो गाइस कैसी लगी यह वीडियो आप जरूर एक कमेंट करके बताना। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आप अपने वीडियो को कैसे लगा सकते हैं। सो गाइस सिंपल है, इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं एप्लीकेशन में फिर दोबारा लॉगिन करता हूँ। एप्लीकेशन को जैसे ओपन करते हैं तो हमारे पास जो इंटरफेस खुल के आएगा वही सिंपल चीज़ें हमारे पास आएंगी जो पहले भी थीम लगाने में, फोटो लगाने में आया था। तो हमें सिंपली कीबोर्ड में क्लिक करना है। कीबोर्ड पर क्लिक करते ही हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा, इस टाइप का। तो ये हमें कलर वाले बटन पर क्लिक करना है। कलर वाले बटन पर क्लिक करना है तो चूज वीडियो। मैं इसमें से वीडियो लगाकर दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। सो गाइस जैसे कि आप देख लेंगे मेरे थीम पे मैंने वीडियो लगाया, अब ये वीडियो चली रहा है और ये कीबोर्ड वैसे ही। तो हमें सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब इसको भी आप अपने सूटेबल के हिसाब से लगा सकते हैं, जो भी कलर है, इसकी बॉर्डर को आप जितना डार्क करना चाहते हैं, जो भी है, ब्लैक, वाइट,
जो भी आपको करना है, जैसे आपके सूटेबल के हिसाब से। आपकी बैकग्राउंड बहुत स्पेशल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेस्ट फील लग रहा है कि इसमें कैसा वीडियो चल रहा है। सो गाइस, कैसी लगी मेरा ये वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। एंड मेरी चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, ये अब सिंपली हमें करना क्या है, हमें ये नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करते आपको वही ऑप्शन होगा फ्रंट चेंज करने का, जो भी आपको सूटेबल के हिसाब से अपने रख लेना। अब मैं जैसे कि मैं ये रख लेता हूँ, तो गाइस इसको सिंपली हमें सेव कर देना। आर यू श्योर? तो आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करते गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं अपनी कीबोर्ड पे जाके जहाँ से मैंने मुझे इसको, तो गाइस ये मैंने पांचवा नंबर का कस्टम कीबोर्ड तैयार कर लिया है। अब मैं इसको वीडियो को क्लिक कर देता हूँ, ये अप्लाई ऑटोमेटिक हो गया। अब मैं अपने चला जाता हूँ होम पेज पे, होम पेज पे जाके मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ, टेक्स्ट पे मैं देखता हूँ कि चेंज हुआ कि नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है, आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे ये वीडियो चल रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस कैसे लगे मेरे ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना एंड एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।